के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा दिव्या भारती, एक ऐसा चेहरा जो महज 2 साल में वो मुकाम पा चुका था जिसको पाने में लोगों की उम्र निकल जाती है। एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में आते ही सभी की जुबान पर चढ़ चुका था और जिस एक्ट्रेस का सुरूर सभी के सर पर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन एक दिन ये सुरूर ऐसा उतरा कि फिर कभी भी इस नाम का बॉलीवुड के गलियारों में जिक्र तक ना हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी दिव्या भारती की, और आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दिव्या भारती से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा जो शायद आप में से बेहद कम लोग जानते होंगे। आपको दिव्या भारती की फिल्म विश्वात्मा तो याद ही होगी। दिव्या भारती की एक ऐसी फिल्म जिसने रातों रात दिव्या को एक मेगा स्टार बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिव्या ने ये फिल्म यानी विश्वात्मा महज 500 रुपए में साइन की थी? शायद नहीं। तो चलिए आज आपकी पसंदीदा अदाकारा से जुड़ा ये किस्सा हम आपसे शेयर करते हैं और बताते हैं आपको। अब हमने आपको काफ़ी पहले ये तो बता ही दिया था कि कैसे फिल्म राधा का संगम के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो रोल दिव्या को नहीं मिल पाया था और दे दिया गया था जूही चावला को, और इसी वजह से दिव्या ने साउथ की फिल्मों का रुख कर लिया था। साउथ की फिल्मों में जब दिव्या भारती ने अपने पैर जमा लिए थे तो दिव्या की सक्सेस देख फिल्म मेकर राजीव राय ने दिव्या भारती को फिल्म विश्वात्मा का ऑफर दिया था, और बॉलीवुड में काम करना जैसे हमेशा ही दिव्या का सपना रहा था। तो जब इस तरह उनका ये सपना सच हो रहा था तो दिव्या भारती ने इस खुशी में महज 500 रुपए में ये फिल्म साइन कर ली थी। और इसके बाद कैसे विश्वात्मा के साथ समुंदर पार वाले गाने ने दिव्या भारती को वाकई सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था, इस बात से हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। अपने फेवरेट स्टार से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही और अनजानी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।